इस बार बड़ी धूमधाम से और शहरों में नहीं ग्रामीण युवाओं में भी शिव भक्ति को लेकर, महादेवगढ़ की भक्ति को लेकर बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। हमारे जो युवा नेतृत्व अमित जी जैन, उनके मार्गदर्शन में इस बार यात्रा श्री दादाजी धाम से शुरू होगी और महादेवगढ़ पर आएगी। लाखों की, हजारों की संख्या में महादेवगढ़ भक्त आसपास के ग्रामीणों से भी इस बार शामिल होने वाले हैं। उनकी संख्या को देखते हुए यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, ये मंदिर समिति जो है, यहाँ पर 40 कुंटल साबूदाने की खिचड़ी की व्यवस्था की है ताकि कोई भी भक्त भूखा ना जाए। और यात्रा में इस बार जो है अलीगढ़ का एक सम्राट ग्रुप है, और सम्राट ग्रुप की शिव तांडव नृत्य की और अन्य प्रकार के भोलेनाथ के जो नृत्यों की प्रस्तुति, विवाह की प्रस्तुति ये पूरे मार्ग पर दी जाएगी। साथ में ही भोलेनाथ के रुद्रावतार जी हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी जो महाराज हैं, वो आ रहे हैं, वो भी भक्तों को पूरे मार्ग पर आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस बार खाटू श्याम जी की भी जो महिमा बढ़ी है, तो खाटू श्याम जी के भक्तों के हिसाब से खाटू श्याम जी की चलित झांकी भी साथ में रहेगी। उसके साथ युवाओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए का जो एक संदेश देने के लिए हमारे जो प्रदीप जी पटेल हैं, उनके द्वारा मलखंब की भी पूरे रास्ते में प्रस्तुति दी जाएगी। और वाद यंत्र जो नाना प्रकार के हैं, वो खंडवा के साथ ही गुजरात के भी रहेंगे। गुजरात की थीम पर भी पूरे रास्ते में युवा नाचते गाते पूरे शिव भक्त नजर आएंगे। और मातृशक्ति भी हजारों की संख्या में इस चल समारोह में, जितने भी शिव भक्त हैं वो सारे इस भोलेनाथ की बारात में शामिल होंगे। श्री हनुमान जी महाराज शक्ति पताका लेकर आगे आगे चल रहे होंगे और जैसा आप देख रहे हैं पूरा शहर जो है शिव भोलेनाथ के विवाह को लेकर प्रसन्न है। पूरा शहर भगवामय हुआ है। जनता से मेरा आह्वान है कि वो आए और इस शिवरात्रि के महापर्व पर भोले की बारात में भी शामिल हो और दर्शन करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मनवांछित जितनी भी इच्छा है उसकी पूर्ति करें। ब्रांडपुर में भी आयोजन है, लोकसभा, पूरी लोकसभा में आयोजन है। हाँ भाई, ये समाज जागरण का केंद्र है महादेवगढ़। आज से 2013 में जब हमने महादेवगढ़ के माध्यम से इस शिव बारात की शुरुआत की थी, तो हमारा पवित्र उद्देश्य यही था कि शिव भक्ति को लेके, सनातन संस्कारों को लेके, हमारे जो धार्मिक मान्यता है उनको लेके ये उत्सव पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैले। तो यहाँ से जो समाज जागरण हुआ, उसका ये प्रभाव हुआ कि आसपास के ग्रामीणों में भी अनेक जगह शिव बरातें निकलना प्रारंभ हुई है। जैसे कि हमारे महादेवगढ़ के मार्गदर्शन में ही 7 दिवसीय अखंड ओम नमः शिवाय का जाप ब्रह्मपुर में भी माँ ताप्ती किनारे अभी चल रहा है, जिसका 18 तारीख को इस अनुष्ठान का समापन होगा। पार्थेश्वर शिवलिंग मातृशक्तियां बना रही है और वहां पर 19 तारीख को वहां पर भी रुद्राक्षों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, अभिमंत्रित रुद्राक्षों का। नहीं, जो चलित झांकियां रहेंगी, जो प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं, उनके अलावा कोई इस प्रकार की प्रस्तुति नहीं देगा। और हम भी यहाँ से आह्वान करते हैं कि यह जो हमारा धार्मिक उत्सव है, यह अति अच्छे उल्लास के साथ मनाए, हर्ष के साथ मनाए, पर इसमें किसी भी प्रकार के हथियार लेके युवा नहीं आए ना आना चाहिए और न व्यसन करके आना चाहिए। भाई धार्मिक उत्सव है ना, हम भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं, शिव बारात निकाल रहे हैं, तो इसमें व्यसन का क्या काम। तो व्यसन मुक्त बारात होना चाहिए और धारदार हथियार मुक्त बारात होना चाहिए। ये प्रशासन का भी उद्देश्य है और ये हमारा भी उद्देश्य है। महादेवगढ़ का नंदी अतुल जी बताएंगे कि महादेवगढ़ का नंदी गया कहाँ भैया। नंदी हमको ओंकारेश्वर से आता था हमारे पास, इस बार बरानपुर कोई आयोजन में गया था तो वहां से वापसी ओंकारेश्वर पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए हम ला नहीं पाए उसको। था
पर पता नहीं क्या कारण है कि वो वापस नहीं आ रहा है, किसने बांध दिया नंदी को हमारे। साधु सन्यासी भी बाहर से आए।